नमस्कार दोस्तों, प्रोस्टेट कैंसर बहुत ही आम कैंसर होता है आदमियों में। तो आज मैं आपको प्रोस्टेट कैंसर के बारे में कुछ जानकारी दूंगा और कुछ बातें बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोस्टेट आदमियों में पाए जाने वाली ग्रंथि है दोस्तों। ये जो ग्लैंड है प्रोस्टेट, वो जस्ट नीचे होती है पेशाब की थैली के, और इसके बीचों बीच से पेशाब की नली निकलती है और जस्ट बगल में रेक्टम होता है दोस्तों। प्रोस्टेट से एक फ्लूइड निकलता है जो कि एल्कलाइन नेचर का होता है, और उस फ्लूइड को हम प्रोस्टेटिक फ्लूइड बोलते हैं। ये सीमन का लगभग 30% हिस्सा होता है। अगर ये प्रोस्टेट बढ़ जाता है तो मोस्टली दो बीमारियां होती हैं। एक होती है बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी और एक होती है कैंसरस प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी आमतौर पे जिनकी उम्र 50, 55, 60 साल होती है उनको हो ही जाती है, और ये बहुत ही आम बीमारी है। लेकिन कैंसरस प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, जहाँ पर कि कैंसर सेल प्रोस्टेट में डेवलप होने लगते हैं और प्रोस्टेट को नष्ट करने लगते हैं, और कैंसर सेल ऐसे सेल होते हैं जो कि बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, और जिस भी ऑर्गेन में ये जाते हैं उस ऑर्गेन को ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। उसकी जो क्रिया होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जो उसका फंक्शन होता है ऑर्गेन का वो ख़त्म हो जाता है, जिसके कारण आपको साइन एंड सिम्टम्स लक्षण दिखाई देने लगते हैं। और कैंसर सेल की एक और प्रॉपर्टी होती है कि ये एक ऑर्गेन से दूसरे ऑर्गेन में चले जाते हैं, फिर दूसरे से तीसरे, फिर तीसरे से चौथे ऑर्गेन में जाते हैं और पूरे शरीर में ये फैल सकते हैं। तो कैंसर सेल अगर प्रोस्टेट में दिखते हैं और प्रोस्टेट में डेवलप होना चालू हो जाते हैं तो उसको हम प्रोस्टेट कैंसर बोलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोस्टेट कैंसर होता क्यों है, इसके कारण क्या है, उसके बाद मैं इसके साइन एंड सिम्टम्स लक्षण बताऊंगा, और आपको ये बताऊंगा कि आपको कौन कौन से लक्षण दिखेंगे तो प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपको जाँच जरूर कराना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं इसके कॉजेज, कारण। प्रोस्टेट कैंसर के जो एग्जैक्ट कॉजेज हैं वह अननोन है, मतलब आमतौर पे आप नहीं बता सकते कि इसी कारण से प्रोस्टेट कैंसर हुआ है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर हैं, कुछ ऐसे कारण हैं, ऐसा देखा गया है कि प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट को ये ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले जेनेटिक, अगर आपके पापा को, आपके बब्बा को या आपके नाना को प्रोस्टेट कैंसर हुआ हो तो आपको भी होने के चांसेस ये बढ़ जाते हैं। खासकर अगर आपके पापा को हुआ हो तो आपको प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि अगर किसी के पापा को कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर हो तो उसको 10 या 12% चांसेस होते हैं प्रोस्टेट कैंसर होने के दोस्तों। दूसरा फैक्टर है खाना। तो अगर आप ज़्यादा फ्रूट्स खाते हैं और ज़्यादा वेजिटेबल खाते हैं, मतलब आप वेजिटेरियन हैं, तो प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस कम हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा रेड मीट खाते हैं, मतलब आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा है। तीसरा फैक्टर है मेडिसिन। तो अगर आप कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट में आपको प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। अगर आपको प्रोस्टेट में इन्फेक्शन होता रहता है बीच बीच में, और साथ ही साथ आपको एसटीडी की प्रॉब्लम है या गोनोरिया की प्रॉब्लम है या सिफिलिस की प्रॉब्लम है या क्लेमेडिया की प्रॉब्लम है, तो आपको प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि अगर आप बार बार एजुकेलेट करते हैं तो प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं। अगर आप बहुत समय बाद एजुकेलेट करते हैं या बहुत कम एजुकेलेट करते हैं तो प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। ये थे इसके कॉजेस। अब चलते हैं साइन एंड सिम्टम्स, मतलब लक्षण की तरफ। तो शुरुआत में, जब शुरुआती प्रोस्टेट कैंसर की प्रॉब्लम होती है और जब 3-4 सेल्स या थोड़े से सेल प्रोस्टेट में डेवलप होना चालू हो जाते हैं, कैंसरस सेल्स, तो आपको कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते और ना समझ में आते, तो ये मोस्टली एसिम्टोमेटिक रहता है, मतलब इसमें कोई लक्षण आपको महसूस नहीं होते जब तक ये फैलता नहीं है। और यही इसकी सबसे ख़राब बात है कि जब प्रोस्टेट कैंसर फैल जाता है तब इसके लक्षण महसूस होते हैं, जब तक देर हो चुकी होती है। लेकिन एक जो आम लक्षण है, जो शुरुआती लक्षण है, जब आप पेशाब करने जाते हैं तो पेशाब करते समय और पेशाब के जस्ट बाद आपको हल्की सी बर्निंग, मतलब हल्की सी जलन महसूस
होती है। अगर आपको पेशाब बार बार करने जाना पड़े तो ये भी एक लक्षण होता है। तो अगर मान लीजिए आप 5 बार आम तौर पे पेशाब करने जाते हैं और ये जो है वो 5 से 10 बार हो गया है, मतलब अब आपको 10 बार जाना पड़ता है, बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है, तो ये एक शुरुआती लक्षण है प्रोस्टेट कैंसर के। अगर आपको ये 2 लक्षण महसूस होते हैं तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि ये लक्षण प्रोस्टेट कैंसर के भी हैं और BPH के भी हैं, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी के। तो डॉक्टर को दिखाएं, डायग्नोसिस कराएं कि क्या ये प्रोस्टेट कैंसर है और क्या ये BPH की प्रॉब्लम है। अगर शुरुआत में प्रोस्टेट कैंसर पता चल जाता है तो उसे ठीक करना बहुत ईजी होता है, आसान होता है। अगर प्रोस्टेट कैंसर फैल जाता है तो उसे ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये 2 शुरुआती लक्षण ज़रूर आप याद रखें हमेशा। अगर आपको ये लक्षण होता है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए दोस्त। साथ में आपको बार बार रात में पेशाब लगती है, पेशाब करते समय आपको डिफ़िकल्टी हो और बल ज़्यादा लगाना पड़े और पेशाब की जो धार होती है वो बीच बीच में टूट जाए और लास्ट में पेशाब में 1-2 बूंद बची रहे और वो धीरे धीरे निकले, तो प्रोस्टेटिक कैंसर होने के चांसेस। अगर आपकी पेशाब लाल होती है और पेशाब करते समय बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो ये भी एक लक्षण है प्रोस्टेटिक कैंसर का। दोस्तों अगर आपका सीमेन कम हो गया हो पहले से और इरेक्शन भी कम हो गया हो और इम्पोटेंसी की भी प्रॉब्लम हो तो ये 3 लक्षण भी प्रोस्टेटिक कैंसर के ही लक्षण हैं, आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। अगर ये प्रोस्टेटिक कैंसर फैलता है, मेटास्टेसिस होती है इसकी, तो सबसे पहले ये लिम्फ नोड से होते हुए जो आसपास की बोन है वहाँ पर जाके ये फैलना चालू होता है और वहाँ पर कैंसर सेल डेवलप होना चालू होते हैं और ये बोन को खोखला कर देता है, बोन की डेंसिटी को कम कर देता है और बोन का जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, बोन बहुत जल्दी फ्रैक्चर हो सकती है। दोस्तों सबसे पहले ये हिप बोन में अटैक करता है, फिर वर्टिब्रा से होते हुए ये रिब्स तक जाता है और नीचे फीमर में भी चला जाता है और पैर की हड्डियों को भी ये खोखला कर देता है। तो ये बोन में अटैक करता है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो कैंसर होता है अगर फैलता है तो ज़्यादातर बोन में फैलता है और बोन को खोखला कर देता है और लास्ट में पेशेंट की हड्डियाँ इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं कि उसे बार बार फ्रैक्चर होता है, बार बार परेशानी बढ़ती है और ये प्रोस्टेटिक जो कैंसर है वो रेक्टम में भी जाके डेवलप होने लगता है। तो प्रोस्टेट के जो कैंसर के सेल होते हैं वो लिम्फ नोड के थ्रू जाके रेक्टम को भी इन्फेक्ट कर देते हैं और वहाँ भी कैंसर सेल डेवलप हो जाता है, जिसके कारण रेक्टम कैंसर भी हो सकता है और उसके कारण रेक्टम संबंधित प्रॉब्लम जैसे कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन या मल के साथ साथ ब्लड आना, तो ये सब समस्याएं भी चालू हो जाती हैं। साथ ही साथ जब हमारी हड्डियों में ये फैलता है तो हड्डियों में दर्द होना और कोई अगर गले लगा ले आपको और गले कुछ कस के लगा ले तो आपको फ्रैक्चर हो जाना, हल्का सा गिरते समय या लड़खड़ाते समय आपको फ्रैक्चर हो जाना, ये आम लक्षण है अगर बोन में ये कैंसर फैल जाता है। तो ये कैंसर आमतौर पर रेक्टम में फैलता है और बोन में फैलता है और आमतौर पे इसके कोई भी लक्षण आपको महसूस नहीं होते, लेकिन कुछ जो बहुत ही छोटे लक्षण हैं जो आमतौर पे आदमी जो है वो थोड़ा सा इग्नोर कर देता है, जैसे बर्निंग सेंसेशन, पेशाब करते समय जलन होना, पेशाब करते समय हल्की सी दर्द होना या बार बार पेशाब लगना, तो ये जो लक्षण हैं अगर आपको दिखते हैं तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए और डायग्नोसिस कराना चाहिए। कैसे पता चलेगा कि आपको कैंसर है? उसके लिए सबसे आम तरीका है FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। ये एक बायोप्सी का ही टाइप है, प्रोस्टेट से सेल निकाला जाता है और उस सेल की जांच की जाती है कि आपके प्रोस्टेट में जो सेल है क्या वो कैंसरस है और क्या वो कैंसरस नहीं है। अगर वो कैंसरस है तो तुरंत कैंसर का ट्रीटमेंट कराना चाहिए और कीमो वगैरह जो भी डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं वो करना चालू कर देना चाहिए, क्योंकि अगर प्रोस्टेटिक कैंसर फैलता है तो सीधे वो बोन में अटैक करता है और अगर एक बार बोन में फैलता है तो बहुत ही मुश्किल है उसे ठीक करना। तो शुरुआत में पकड़ना प्रोस्टेटिक कैंसर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये थोड़ा मुश्किल भी है, तो ये
पेशेंट की जिम्मेदारी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपको थोड़े से भी लक्षण महसूस हों तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं और एक बार ज़रूर जांच कराएं। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया हो कि अगर आपको प्रोस्टेट कैंसर होता है तो वो क्यों होता है, उसके कारण क्या हैं, उसके लक्षण क्या हैं और क्या लक्षण आपको महसूस हो तो डॉक्टर को आपको दिखाना चाहिए तुरंत, और कौन सी जाँच आम तौर पे की जाती है प्रोस्टेट कैंसर में। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिएगा तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा, यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिएगा तो उसको भी दबा दीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड डिसीज़ रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपको किस तरह की बीमारी है तो मेरे चैनल में जाके बीमारी के बारे में जान सकते हैं, उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दीजिए तो अपने फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट में ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन है तो मैसेज ज़रूर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।